बताइए आप लोग चिराग पासवान के इतने बड़े फैन है क्यों आखिर? क्योंकि बड़ी स्मार्ट थी और पढ़े के पढ़े लिखे चिराग पासवान के बहुत टैलेंटेड है और स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत चाहने वाला चिराग पासवान, लड़की और लड़का भी सब चाहते हैं कि भैया चिराग ला दे ही दे बोई हम जन्म आहे कि भैया चिराग ला दे ही दे बोई जन्म आहे जब ले न सीएम बनई बई जब ले न मिलत सकुना माहे चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा चिराग भैया का नाम रहेगा। 2025 में भैया चिराग के है लले के जुनू न मान जब ले न सीएम बनई बई जब ले न मिलत सुगुना मान जंगल राज के सफैया कर चिराग के लावे घर पर जाके चिराग पासवान मदद करता गरीबों लोग के चाचा के कोई पहचान भी नहीं करता बच्चा बच्चा पहचानता चिराग पासवान में ए भाई जी दुई एगो पर नाचबा जय हो चिराग जी जय हो मोदी जय हो चिराग जी जय हो मोदी जी। नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षाफिया। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है रविंद्र भवन में है। जिस तरीके से आज खबरें सामने आई कि चिराग पासवान से मुलाकात की है बीती रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, से पहले भी मुलाकात हुई थी, अब कल की मुलाकात के बाद चर्चा जो है वो तेज हो गई है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा चिराग होने वाले हैं और साथ साथ चर्चा ये भी तेज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी चिराग पासवान हिस्सा बनने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ चिराग पासवान के समर्थक है, आपसे देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हाथ में झंडा लिए हुए है ये बच्चा, इसमें रामविलास पासवान की तस्वीर है और चिराग पासवान की तस्वीर है और ये चिराग पासवान का बड़ा वाला फैन है। क्या कहोगे चिराग पासवान के? हम तो कहेंगे बिहार में चिराग भैया की सरकार चाहिए, चिराग भैया का सरकार चाहिए। अच्छा, 2025 में भैया चिराग के है लले के जुनू न मान जब ले न सीएम बनईबई जब ले न मिलत सुगुना मान समर्थकों में बातचीत करते लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा चिराग पासवान बनने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं चिराग जी, बनेंगे वैसा करेंगे तो मंत्री जी नहीं बनेंगे अभी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे बिहार में सीएम 2025 में सीएम उनको पासवान जी को अगर केंद्र में मंत्री बनना रहता तो 2019 में ही बन जाते 2020 में, लेकिन उनको बिहार का नेतृत्व करना है। एक शिक्षित और युवा नेता है जो बिहार को उनमें देख रहा है, बिहार उनमें तरक्की देख रहा है क्योंकि बिहार बहुत दिनों से पिछड़ा है मतलब यहाँ की तमाम मतलब मजदूर लोग बाहर जाते हैं लेकिन वहाँ के नहीं आते हैं, यहाँ बहुत मतलब कंपनियाँ खोली है इतने दिन में, नहीं शिक्षा रोजगार कुछ नहीं है, इस चलते चिराग में नया भविष्य देख रहा है बिहार की जनता, इसलिए हमको चिराग को लाना है। वो शिक्षित हैं, वो बिहार नई दूर तक सोचने वाले व्यक्ति हैं, वो गुजरे हुए हैं, बाहर रहते थे तो समझते हैं कि बिहारियों पर कितना अत्याचार होता है। चाचा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे चिराग? नहीं जानते चाचा ने उनको माला पहनाएंगे, चाचा ने उनके पीठ में खंजर घोंपा है, चाचा को नहीं, चाचा के कोई नहीं पहचानते। अगर उनके चाचा के बारे में पूछना है तो हाजीपुर की जनता से पूछिए कि उनको कोई पहचानता तक नहीं है, कोई नहीं अपना के लिए कौन बा सकता है चाचा।
कोई नहीं पहचानते चाचा रोड पर निकल के देखे चाचा कभी रोड पर निकले उनका कितना स्वागत होता है देख रहे हैं ना। घर पर जाके चिराग पास में मदद करता है गरीबों लोग के, चाचा के कोई पहचान भी नहीं करता, बच्चा बच्चा पहचानता चिराग पास में, चाचा कोई नहीं पहचानता चिराग पास में के बच्चा बच्चा पहचान, इसीलिए चिराग पास में सब चाहने वाला बच्चा। बिहार तेज चिराग, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, वो तो नाम ही फेल है, युवा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति का सोच जो होता है जो अनपढ़ का सोच नहीं होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति का दूर की सोच होता है वो चिराग पासवान में एकदम है। सरकार में मंत्री है, मंत्री है तो वो परिवार वो पिछले जो उनके पास लालू यादव जी के नाम पे मंत्री बन गए हैं, वो लालू यादव के नाम पर बन गए हैं, उनका लाठी चलवाते हैं, बिहार के उपमुख्यमंत्री लाठी चलवाते हैं। आज देखिए कोई भी कोई नीतीश कुमार ही मतलब नेता बने हैं तो मतलब आंदोलन करके, लेकिन आज जो आंदोलन कर रहे हैं लाठिया पर। तेजस्वी जी जहाँ भी जाता है उसको कास्ट रहता है वहीं पर जाता है, चिराग पास में ऐसा नेता है ना कास्ट नहीं देखता है, जहाँ भी देखे चिराग पास गरीब के लिए मदद करता है। चिराग पासवान में जातिवाद की राजनीति नहीं देखते होंगे। अच्छा कुछ कुछ लोग यहाँ पर गाना गा रहे थे चिराग पासवान के लिए, कहाँ आ गया? कर सपना से कर अब बदला बिहार, है झोपड़िया से बनाब महलिया, आ जंगल राज के सफैया कर चिराग के लावे भैया। चिराग पासवान के तमाम समर्थक लोग बाहर, सब लोग आ गई है तो अच्छी लाइट मिलेगी और अच्छे से आप लोग बोल भी पाएंगे। हम भी गाएंगे चिराग भैया के लिए, गाएंगे किए है कलयुगी में ए भाई जी दुई एगो पर नाजबा, ध्यान से, किए है कलयुगी में ए भाई जी दुई एगो पर नाजबा, जय हो चिराग जी जय हो मोदी, जय हो चिराग जी जय हो मोदी जी। कि भैया चिराग ला पानी के जगह बहा दे तब ले ना मिलता सुकुनवा हो। नीतीश कुमार में अब रह गया है, वो जाति देख करके भी शोषण कर रहा है। अभी जो सरकार है नीतीश कुमार जी, वो जाति देख करके भी शोषण हो रहा है पूरे बिहार में, हालांकि खाली पटना में नहीं पूरे बिहार में जाति देख करके शोषण हो रहा है। आज हत्या मर्डर रेप के किस तरीके से लाठी चार्ज परसों की घटना हुई उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? बदले की भाव से किया गया है क्योंकि बढ़ाते हैं। जितेंद्र राय ट्वीट किए कि क्या 2021 का बदला लिया गया, मतलब क्या लोकतंत्र में क्या बदला ही बदला चलेगा या जनता के भलाई भी होगा? एक किसी कोई भी लाठी चार्ज होता है, शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही एकदम बदले की भावना से किया गया है ताकि कोई आंदोलन नहीं करे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग चिराग पासवान के इतने बड़े फैन है क्यों आखिर? क्योंकि बड़ी स्मार्ट दिख और पढ़े के चिराग पास में बहुत टैलेंटी है और स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत चाहने वाला चिराग पास, लड़की और लड़का भी सब चाहते हैं। सबसे ज्यादा एटीट्यूड नेता है बिहार के चिराग पास में, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, सबसे मेन बात यही है। और पढ़ा लिखा नेता है, यानी कि तेजस्वी जैसा लंबा स्मार्ट, वही चिराग पासवान है, दूसरा कोई ऐसा नहीं सोचा। स्मार्ट तो प्रिंस पासवान भी, अरे उसको बोलने का लूर नहीं है, उसको बोलने का लूर नहीं है, जन जन तक चिराग पासवान पहुंचते हैं, हर गरीबों तक, चाहे किसी तरह भी उनका मतलब गरीबों का हत्या चाहे कुछ वहां तक गले, मतलब कितना 46 डिग्री 50 डिग्री तापमान में भी चिराग पासवान रोड पर खड़ा रहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति ये नहीं सकता। चिराग पासवान युवा नेता है, पढ़ा लिखा है, वो आगे के सोच रखते हैं, पीछे का सोच नहीं वाला नहीं है, वो आगे बढ़ाएंगे बिहार को। लगता है कि चिराग पासवान अब मंत्री मंडल में शामिल होंगे।
लगने की संभावना की आंकड़ा बात खत्म हो गई, बनना तय है तो बिल्कुल बनाएंगे। और खास कर हाजीपुर से रेकर तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में बड़े साहब का नाम दर्ज हुआ था, उससे बढ़कर चिराग पासवान का नाम दर्ज होगा। हाजीपुर में चिराग भाई निकल आए, हाजीपुर से लिखने के लिए चिराग पासवान के जीत है, वहाँ हाजीपुर में नाम ही नाम है। अरे जीत चुके हैं, जीत हाजीपुर से चिराग पासवान जी जीते हुए हैं, अब जीतेंगे, रिकॉर्ड बोर्ड से जीतेंगे हाजीपुर में, पूरा रिकॉर्ड बेटा। हाजीपुर को राम विलास पासवान ने बहुत क्या नहीं दिया, रेलवे जोन बना दिया, समझिए राष्ट्रपति से सम्मानित है चिराग पासवान। यहाँ पढ़ल लिखल ना है जी, नामा फेल नहीं चलेगा, विकास का नाम है तो सिर्फ चिराग पासवान, कोई नहीं। एक बात बताइए, हाजीपुर की सीट की मांग कर रहे हैं चिराग, और हाजीपुर की सीट पर दावा करें चाचा भी, तो क्या लगता है कि जैसे युद्ध का मैदान है, मैदान में आकर फरिया लेवे, चाचा को कोई पहचानता है, उनका चाचा को कोई पहचानता है, आसमान जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जनता से, तो उनको चाचा तो सही, उनका चाचा को हाजीपुर में कोई जगह नहीं पहचानता। देहाती कहावत है, देहाती कहावत है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, विरासत रहा विरासत पासवान का, और आप आके वहाँ पे जम गए। चिराग पासवान कहाँ जाएगा, बारिश चिराग पासवान है। राजा तो कहते हैं कि काम हम किया करते हैं, सब जाएगा भाई, कहने दीजिए 24 में पता चल जाएगा। हाँ जी पूछे 24 में वहाँ पे जाइए, वहाँ के जनता से देखिए क्या कीजिए। अब शान से जान कीजिए, अब शान से जान के बोली अपना पराखंड में, कि भैया चिराग ला दही दे बोई हम जन्म आहे, कि भैया चिराग ला दही दे बोई जन्म आहे। आ जब ले न सीएम बनई बई, जब ले न मिलता सकुना माहे, चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, चिराग भैया का नाम रहेगा, राम विलास पासवान अमर रहे, अमर है, अमर है, चिराग भैया जिंदा। राम विलास पासवान, राम विलास पासवान जी के लिए नारा लगता था, धरती गुंजे आसमान, राम विलास पासवान, धरती गुंजे आसमान, राम विलास पासवान। ये नारा किसी और के लिए नहीं लगता था, स्वर्गीय सिर्फ राम विलास पासवान, और उनके लिए तो धरती गुंजे आसमान, वो तो चिराग स्वयं चिराग है, चिराग जो दीपक जलता है ना, चिराग दूसरों को अंजोरा करता है। बिहार में अगर बिहार विकास फैलाना है, लाना नहीं विकास फैलाना है, तो चिराग पासवान ही लाना है। तो देखिए लाना आएगा, तमाम तो सारा नहीं आएगा, उनके बीच से बातचीत कर रहे थे, आपको छोड़कर कहना था, तो आपने सुना केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान होंगे, उसके बाद से ही जो तमाम उनके समर्थक हैं, उनमें खुशियों की जो लहर है वो दौड़ गई है, और साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे ही, और खुशियों का माहौल उनके बीच में देखने को मिल रहा है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया के तमाम।